हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह, फिर हाजिर हूं बिग बॉस का रिव्यू लेके। कल जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ, वही जो अभी रुबीना और उसकी जो राहुल वाली लड़ाई चल रही थी, वहीं से कल स्टार्ट हुआ। राहुल तो भी कह रहा है कि ये क्या मतलब होता है, जो भी तुम्हारा कह रहे मानेंगे, तू जो कहेगी हम करेंगे क्या। जाना था यार, ये तो हुक्म करती है, जो ही करना है यही करेगी, यही करेगी करिए। इस वजह इसकी ईगो आ रही है आगे, और कुछ नहीं आ रहा भाई, यही सब कुछ करेगी। कैप्टन की भी लगी हुई है पीछे घूमने, और ये भी हमें बोलती रहती है कि भाई हम क्यों माने सके ना भाई। ये अपने वैसे कहती है मैं वो सुपीरियर, मैं ये वो, तो यहाँ पे दोनों की अच्छी खासी लड़ाई जो थी कल चल रही, वही चलती यहाँ पे कंटिन्यू दिखी वहाँ पे। अब दूसरे अभिनव अली को बोल रहा था, अली भी वो इजाज खान ने उसने गाली दी है उसको, अर्शी खान को इतनी गंदी गाली दी है भाई, तब तुमने कोई स्टैंड नहीं लिया। वैसे तुम बोल रहे हो अभी गाली नहीं देनी चाहिए, ये नहीं कह रहा है, मैंने वो बोला था तो अर्शी ने बोला मेरा और अपना इजाज खान के बीच में ऐसे चलता है, हमने एक दूसरे को परमिशन दे रखी है। तो भाई अब मैं क्या करूँ, अब उसने बोल दिया चलता है हमारे बीच में गाली का कुछ, तो भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता ना बीच में। तो यहाँ पे वही अभिनव और उसकी अपना रुबीना की और राहुल की लड़ाई फिर शुरू हुई यहाँ पे। ऐसे थी यहाँ पे बात चल रही थी नॉमिनेशन के बाद, तो राहुल ने कहा भी तुमने भाई नॉमिनेशन अंदर मुझे विकास गुप्ता ने बताया कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड का नाम लिया भाई रीजन देने के लिए, ये है वो है। कह रही है भाई नहीं लिया, तो तुम भी तो मेरे पति का नाम लेते हो बार बार। कह रहा है तेरा पति तो गेम की शो के अंदर पार्ट है, मेरी गर्लफ्रेंड के पार्ट था शो की थोड़ा है यहाँ पे, जो तो उसका नाम ले रही है बार बार यहाँ पे, तो भैया ये क्यों लेती है तू यहाँ पे। फिर तू कहती है मैं गेम नहीं खेलती, तू गेम तो तू ही खेल रही है, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम ले रही है, घर वालों पर तो तू जा रही है। जब दूसरों को बोलती है कि मेरे घर वालों पर मत जाओ, इस पर मत जाओ, उसमें मत जाओ, तो तू भी तो जा रही है घर वालों के बराबर, क्या कर रही है तुझे। अभिनव कहता है ये कहता मैं तुझे बता दूंगा, विकास गुप्ता से पूछ के बताता हूँ तेरे को मैं। बस इतने में वहां पे विकास गुप्ता भी आ जाता है, सीधा राहुल कहते पूछता है विकास गुप्ता बताओ गुप्ता कि भाई इसने मेरे गर्लफ्रेंड का नाम लिया था टास्क के अंदर, जब नॉमिनेशन टास्क के अंदर कि भाई ये बोला। कहता हाँ विकास गुप्ता बोला इसने लिया था, रुबीना ने भी बोला था भाई तुम अली को सेव करना, मैं अली को सेव करना चाहती थी रुबीना, मैं तेरे को सेव करना चाहता था, तो मैंने इसको बोला था, इसने बोला था मेरे को कि भाई तुम तो उसके गर्लफ्रेंड को जानते हो बाहर से, इसलिए तुम्हारा सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए, तुम इसके सेव करना चाहते हो। कह रहा बस अभिनव देखिएगा इसे मेरी गर्लफ्रेंड का नाम लिया टास्क के अंदर नॉमिनेशन, मैंने कभी तुम्हारी फैमिली का नाम लिया, फिर तुम बोलते हो कि फैमिली का नाम ही लेना चाहिए, तो अभी दो दो तुम्हारे वो क्यों होते हैं। वो कहते नहीं रुबीना नहीं, मैंने ऐसे तुमने तो बोला था अली का भी ये कह रहा नहीं, तुमने साफ बोला था कि भाई इसकी गर्लफ्रेंड है ये हुआ है। तो बस राहुल रहते और अभिनव और यहाँ पे रुबीना की फिर तू तो मैं शुरू होती है अपनी बारी में बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, हो गया भैया यहाँ पे दूसरे के अपने नाम लेते हैं भाई, तेरा हस्बैंड तो तेरे हस्बैंड का नाम लेते हैं, तो हस्बैंड तो गेम शो के अंदर ही है ना, मेरी गर्लफ्रेंड शो में थोड़ा है कोई जिसका तो नाम लेती है ऐसे करती फिरती है। यहाँ पे अच्छी खासी दोनों की बहस देखने को मिलती है यहाँ पे। अब यहाँ पे इजाज खान बोल रहा होता है राखी धवन को, भाई इसका नाम क्या है कि मैं जब कैप्टन मुझे जो काम देता है मैं पूरा अपना काम अपना ईमानदारी से करता हूँ, मुझे कोई भी कैप्टन नहीं बोलता आगे यहाँ पे, जब तक किसी ने बोला भी नहीं कि तूने ये काम नहीं करा वो नहीं करा, तुम मेरे सुबह से मेरे को टारगेट कर रहे हो और पीछे जो पड़े हुए ये करो ये करो वो करो, भैया मैं अपना काम ढंग से करता रहता हूँ, तो मैं कुछ नहीं करता यहाँ पे। तो वहाँ पे राखी धवन और उसकी अच्छे तो राखी जैसे कहते हैं बहस हो जाती है यहाँ पे, वो कहते हैं मैं कैप्टन हूँ ना मैं जो बोलूँ कह रहे हैं, तो कैप्टन है तो मेरे वजह से क्या फर्क पड़ रही है, अपना काम कर जाके, मेरे को जो तुमने काम दिया मैं अपना काम कर रहा हूँ, फालतू में रो मत डाल मैं कैप्टन हूँ मैं कैप्टन हूँ मैं कैप्टन हूँ। राखी तो अपना स्मोकिंग जोन के अंदर जाके रोने लग जाती है वहाँ पे सुनाली जाते हैं, अरे क्या हो गया राखी क्या हो गया राखी, कहती देखो इजाज खान मुझे कैसे बोली जा रहा है ये है वो है, मेरे से पत्नी बात करता है तो ये कैप्टन है तो बार में जा ये है मैं क्यों अपना काम करता है, कह रही मैं जाके बात करती हूँ, वो जाके इजाज खान बोलती है इजाज खान छोड़ो यार कह रहे हैं दोस्त वो रो रही है तो मुझसे बोल दो ना यार ये, वो कह रहा मैं क्यों बोल दूँ भाई, मैंने क्या कह दिया, मैंने उसे कोई गाली दी, मैंने उसे कोई बदतमीजी से बात करी, मैंने कोई उसकी डिसरेस्पेक्ट करी, मैं कुछ कह रहा मैंने सीधा बोला भी मैं कैप्टन जो काम दिया मैं अपना कर रही हूँ वो मुझे टारगेट कर रही है, मैं उसे टारगेट थोड़ा कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इजाज़ ने एकदम अड़िए वापस राखी को लेकर उसका। अब अर्शी यहाँ बोलती है राखी यहाँ से पूछती है भी मैं तेरा ये काम कर दूंगी तो मुझे तो बीवी मौसी क्या चीज़ देगी, तो बस राखी साहब ने उसे छूटते बोल दिया तेरी तेरा कफन दे दूंगी। वो कह रहा और देख अली खाने दे, कैसे बोली जा रही है कैसे बोलती है कफन दे देंगे मेरी बारी में भी इसने बोल दिया जैस्मिन को तुम उनको अलग कर दूंगी बदू आ जाती है अब कफन दे दूंगी, कह रही है इसने मुझे बोला था भाई तेरी कब्र खुदा खोल के बढ़ी हुई, तो ये सारे बड़े बातें करती है कैसी कैसी बातें करती है, हमारे घर वाले सुन रहे होंगे तो भाई उनको क्या बुरा लगा जैसे ये बोलती है तो मैं कफन दे दूंगी बीवी मोहन से। तो यहाँ पे भी ये राखी सावंत की जिसे सबको बहुत बुरा लगा जो उसने बोला कफन दे दूंगी तेरे को। अब वही सोनाली जी का अपना लव ट्रैक वो अपना बैठे होते हैं उसके साथ क्या कहते हैं अपना अली गुनी साथ, वही कहती है मैंने तो बोला नहीं लगा, तो मैं भाई तुम्हारी फीलिंग की कदर करता हूँ भाई ठीक है, पर ये है कि भाई ये ऐसा कुछ हो सकता है भाई जो दिए तुम तो ठीक है तुमने जो सोचा बढ़िया किया अच्छा किया तुम्हारी फीलिंग की मैं कदर करता हूँ, तो भाई जो तुमने बोला था बोल दिया, यही सुनाली सबको बताने लगी हुई थी भाई मैंने जो बोलना था वो बोला, डाकी कहती बिल्कुल क्या अच्छी थी सही किया उसको कोई गलत बात नहीं है, अभी अपना इजहार किया फीलिंग का इसमें कोई गलत बात नहीं करी आपने, बट ठीक है जो फीलिंग है वो फीलिंग है। यहाँ पे अच्छी भी चीज होती है अपना अली वनी को भाई तुम्हारा लव ट्रैक है यार बस करो यार ठीक है उसने बोल दिया फीलिंग की कदर करता हूँ, मैंने उनको भी बोला कि भाई ये चीज़ को यहीं पे करो अभी तुम बार बार मजाक मत उड़ाता रहो इसको और बार बार खींचते रहो बार बार रिपीट मत करते रहो, उसकी फैमिली है यार मेरी तो चलो कोई भी लेने मतलब उसकी फैमिली है कोई बुरा मानेंगे ये है वो है, तो इस बात को यहाँ पर खत्म करो ना यार,
वो कह रहा है वो भी उसने यही मुझे बोल दिया था कि भाई अपना कि भाई मेरी आंखों में तुम देखा तो मेरे जो हस्बैंड में देखा तो मुझे प्यार हो गया था, फिर मेरे दूसरा लव उसके आंखों में, तुम्हारी आंखों में मुझे लग रहा है वो अच्छा लग रहा है इसलिए वो कर रहा है, तो ये बात को खत्म कर दो यहाँ पे, ये बात को खींचो मत यहाँ पे। बिग बॉस, बिग बॉस ने सबको लिविंग रूम में इकट्ठा कर लिया। बिग बॉस ने भाई आज तो तुम्हें कैप्टन डाक दिया जा रहा है, तो भैया घर के जो गार्डन एरिया में दो पार्ट बना दिए गए थे, एक पार्ट में जो राखी का घर था और एक अपना अभिनव का घर था, मीन्स अभिनव लड़का था और राखी इधर लड़की थी, और यहाँ पे राखी की जो टीम के अंदर थे वो अली गोनी था और अपना जो राहुल वैद्य था वो राखी का भाई बना दिया गया, मतलब पूरी फैमिली बना रहे थे, और इजाज़ खान को और सोनाली को उसकी राखी की मदर और फादर बना दिया गया। दूसरी जो अपनी फैमिली थी जो कि अभिनव की थी उसमें जो बीवी बना दी गई वो अपनी बनाई गई रुबीना, जो वैसे ही थी उसके अंदर, और जो अर्शी खान और अपना विकास गुप्ता और एक जो निकी का उसकी फैमिली के मेंबर बना दिए गए। तो यहाँ पे वाला ये था कि दोनों करेंगे भी टास्क जो स्टार्ट होगा, मेरे बीच में एक दीवार है दोनों घर के बीच में, तो दीवार बनाना चाहते हैं वो अर्शी खान और जो वो अपना अभिनव वाले वो दीवार बनाएंगे, दूसरे वाले दीवार को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और बीच बीच में बजर बजेगा तो यहाँ से अपना राखी को एक फोटो क्लिक करनी है अभिनव की, उसके बाद हर एक बजर के बाद फोटो क्लिक करके उसे स्टोरूम में बिग बॉस में देना है, अगर फोटो अच्छी होगी और उसके बाद राउंड में बताएंगे बिग बॉस की कौन इस राउंड को जीतता है। तो एकदम सिंपल टास्क था, ऐसा कुछ नहीं था। तो टास्क जैसे बिग बॉस खत्म करते हैं टास्क को बता के, विकास गुप्ता फटाफट मास्टर माइंड है ही, वो फटाफट जाके जो बाहर कैमरा बड़ा होता है उस कैमरे को सुबह के नीचे छुपा देता है, सुबह वो खड़ा करके उसे नीचे घुसा देता है, और निकी को साथ में भी निकी भी होती है तो कैमरा पहले ही वो छुपा देते हैं टास्क शुरू होने से पहले। गर्ल्स टास्क होना है तो प्लानिंग प्लानिंग शुरू हो जाती है दोनों टीम की, भाई कौन कौन कैसे खेलेगा। यहाँ पे अर्शी खान भी डाउट करते हैं, अर्शी खान तो भाई हमारी तरफ से खेलेगी कैसे खेलेगी, दूसरे साइड पर कहते हैं जो अभिनव कह रहा था भाई अर्शी खान को भरोसा नहीं है कब पलट जाए कब फ्लिप कर जाए, और दूसरे अर्शी अपना अलीवन भी बोल रही है नहीं भाई मैं भी कैप्टन बनना है तो मैं अपने हिसाब से खेलूंगी, मैं तुम्हारे साथ मिलकर खेलूंगी। तो ये प्लानिंग प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, इतने में टास्क को स्टार्ट किया जाता है, बड़े अच्छी तरह स्टार्ट स्टार्ट होता है, वो अपनी दीवार बना रहे होते हैं, वो अपनी दीवार तोड़ते रहते हैं। इस बार बिग बॉस ने ये वो बढ़िया किया कि जो दीवार का मटेरियल दिया गया था वो एक गत्ते का था, मीन्स दीवार बनी जो गत्ते से फेविकोल चिपकानी थी, भाई किसी को चोट वोट ना लगे वैसे करते ही हैं, वो बना डलाए रहते उसको फाड़ी जा रहे थे, बड़े प्यार से टास्क चल रहा था और बहुत कूल टास्क चल रहा था। उसके बाद वही था कि बजरा बजरा बजा तो फोटो खींचनी थी, अब फोटो खींचने के लिए कैमरा नहीं है, ये सोच रहे थे कि शोरूम में कैमरा पड़ेगा बिग बॉस अभी देगा, राखी वहां खड़ी है कि बिग बॉस शोरूम खुलेगा मैं कैमरा लेके आऊँ, बिग बॉस कहते हैं राखी शोरूम में खड़े होने के बाद जरूरत नहीं है क्योंकि कैमरा यहाँ पे नहीं है, कैमरा पहले ही तुम्हें दे दिया गया था, कैमरा घर के अंदर ही है। बस वहां भी भरदम मच जाती है, कैमरा कहाँ है कैमरा क्या, कैमरा चोरी हो गया कैमरा चोरी हो गया, अब ये सब इधर ढूंढने लगते हैं लगेज रूम में ये वो सब कर देते हैं भाई किसने कैमरा लिया, अली उन्हें भी भड़कना होता है कि भैया मैं टास्क शुरू होते रद्द करवा दूंगा मैं ये नहीं करूंगा मैं खेलूंगा ही नहीं, तुम कैमरा उठा लेते चोरी कर लिया ये वो, अच्छी खासी से बहस करते हैं और कैमरे के पीछे इधर उधर भाग रहे होते हैं ढूंढने के लिए भी कैमरा मिल जाए कैमरा मिल जाए, पर कैमरा वहां पे नहीं मिलता। उसके सब बैठ जाते हैं अली गोनी, तो कोई बैठे रहो भाई ठीक है मैं नहीं टास्क शुरू मैं रद्द करा दूंगा। इतने में बिग बॉस कहते हैं दोबारा बोलते हैं बिग बॉस भाई सब लिविंग रूम में इकट्ठे हो जाओ, लिविंग रूम में इकट्ठे होते हैं, बिग बॉस कहते हैं पहला राउंड था जो राउंड का वो वहां पे अवधि खत्म हो गई है, अब भाई कोई फोटो खींच के दी नहीं गई है और पर फोटो खींचे नहीं तो इसमें भाई अपना राखी की गलती है, तो भाई राखी टास्क को हार सकती है, बट इस टास्क में राखी से नहीं आ रही, इस टास्क से पहले ही भाई जो दूसरी टीम थी जो अभिनव की टीम थी उन्होंने उल्लंघन कर दिया, भाई वो दूसरों के घर के अंदर एंट्री करके थे जब विकास ने कैमरा छुपाना था, तो इसलिए भाई ये टीम जो ये पहला राउंड है वो राउंड जीती है राखी सावंत। उसके बाद दोबारा टास्क सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, फिर वही भी कैमरा कहाँ है कैमरा कहाँ है, बस यही लगे होते हैं कैमरा फिर ढूंढ रहे होते हैं कैमरा कहाँ पे है, कोई कैमरा मिलेगा तो दूसरी फोटो खींचेंगे। अली गोनी फिर शांत हो जाता है कोई बात नहीं मिलता ना बोलो जिस तरह हम ये राउंड जीते हैं राउंड भी जीत जाएंगे। यहाँ पे जो रुबीना अपना निकी है वो अपना विकास होता है बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है कि वो अपना जो कैमरा है ना वो छुप जाएगा, अब कैमरा राउंड उसको जिता दिया अगले फिर बिग बॉस राउंड जीतेगा, कहता नहीं तुमने सुना नहीं बिग बॉस ने ये बोला कि भाई उल्लंघन किया कि तुम उसकी घर पे गए, बिग बॉस ने ये नहीं कहा कि कैमरा चोरी हो गया, तो भाई हम अब तो कैमरा छुपा चुके हैं हम उसके घर में जाएंगे ही नहीं उल्लंघन होगा ही नहीं तो नेक्स्ट टास्क हम ही जीतेंगे। तो बाद में टास्क दोबारा शुरू हो गया वही फाड़ी गए करी गए करी गए, तो बिग बॉस ने सेकंड पूछा बिग बॉस ने साफ बोल दिया भाई इस बार की अपना क्या कहते हैं कि कैमरे की फोटो खींच के नहीं दी राखी धवन ने, तो भाई सेकंड राउंड है वो जीत गया अभिनव की टीम। अब उन सबको पता चला कि कैमरे की अहमियत है इस टाइम कैमरा ढूंढना पड़ेगा, कैमरे दोबारा ढूंढना शुरू कर देते हैं, वहां पे विकास गुप्ता होते अच्छी निगाह कैमरा छुपाया अच्छी निगाह कैमरा होता है पर कैमरा तो ऑफिसर विकास गुप्ता ने छुपाया होता है, वो अच्छी खासी यहाँ पे चल लेती है। इतने में बस रुबीना की कोई फिर हुई बात हो जाती है शुरू अपना राहुल के साथ, राहुल अपना अभिनव के साथ उसके लगा होता है अभिनव के साथ कि भाई तू ये वो है अभी ये नल्ले हैं इनकी टीम ही ऐसी नल्ले ही है ये वो खुद नल्ला है इनका जो घर वाला मेन है इसने छुपा दिया अभी टास्क पूरा नहीं करने दे रही ढंग से वो बस वो तेरी औकात क्या है, बस वो एक औकात वर्ड यूज कर देता है दोनों ही अच्छी अच्छी फाइट जमीन बनती है तेरी औकात क्या है औकात तू ऐसे बोलेगा औकात क्या है
देखा ये जो बात बोली भाई, वो चुप चुप हो जाता है अभी भी, सलमान भाई बोले बात के ऊपर, कह रहा चुप हो जाता है, नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा, कह रहा नहीं भाई बोलना, बोलो वो वर्ड यूज किया तूने, बोलना वो वर्ड यूज ना। अब इतने रुबीना बोली कहता ले भाई अब आ गई, हस्बैंड ने बोल रहा तो रुबीना भी आगे बीच में, दोनों मिलकर लड़ेंगे भाई, ये तो आएगी आएगी बीच में, अब मैं अकेले वो मैं हम तो अकेले हैं, अकेले लड़ते हैं, ये नहीं बीजों की आयत है, अभी दोनों मम्मी इकट्ठे लड़ेंगे, तो अच्छी खासी जगह कहते हैं बहस अभिनव की और राहुल ने कल देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये तो कल का एपिसोड, आज जो एपिसोड आएगा यही कंपनी टास्क को कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन फिर देखना ये होगा कि इस टास्क के अंदर कौन जीता है अगला राउंड, क्योंकि कैमरा अभी तक मिला नहीं है। और दूसरा अपना जो अली है वो अपना अर्शी वालों को समझा रहा होता है, तू ऐसे कर भी कैमरा तुम्हारे पास मिला नहीं है, तू टास्क के बीच में अपना घर से हमारे घर में शिफ्ट कूद के आ जा, तू उल्लंघन हो जाएगा तुम्हारी टीम जीत जाएगी, तो तुम्हारा साथ दे दे। और दूसरी साइड अपना अभिनव राखी को समझा रहा होता है कि राखी आप तो ऐसा कि मैं तुम्हारा बहुत साथ दूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ रखूंगा भाई, तुमसे जैसे तुम करते हो मैं भी तुम्हें प्यार करूंगा, तुम कूद के टास्क के बीच में हमारे घर के साइड पर आ जाओ तो हम जीत जाएंगे। तो अब देखना है भी कौन बंदा किसे करता है, यहाँ पे राहुल भी कहता है अर्शी मैं अपने आप खेलूंगी अपने हिसाब से खेलूंगी, अब देखना ये है कि इन दोनों में से कोई मतलब अपने उल्लंघन करता है कि नहीं करता है टास्क के अंदर। दूसरा जैसे मैंने आपको कभी बता दिया कि विकास गुप्ता घर से बाहर जाएगा, विकास गुप्ता की बहुत तबीयत खराब हो जाती है और वो बोलता रहता है, इतने बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि भाई विकास गुप्ता मेडिकल रीजन है तो विकास गुप्ता इसलिए घर से बाहर जा रहा है, तो विकास गुप्ता आज घर से बाहर चले जाएगा। ओके दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस का रिव्यू लेके, तब तक सत श्री अकाल कोविड वॉर, दोस्तों अपना ध्यान रखना, हैंड वॉश करते रहना, घर से बाहर जब भी निकलना मास्क लगा के ही निकलना।